हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में आज की इस क्लास में हम लोग आपके सी टी टी एग्ज़ाम के ई वी एस सेक्शन में पूछे आने वाले एन सी आर टी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आपको पता कि आपके सी टी टी एग्ज़ाम में एन सी आर टी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्लास को शुरू से आखिर तक देखिएगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है की दिशाएं क्रमशः क्या हैं चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए जब भी आपकी ई की क्लास स्टार्ट हुआ करे तब आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठा कीजिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके ई में तीन से चार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको हल करने के लिए आपको नोटबुक और पेन की आवश्यकता पड़ने वाली है तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठा कीजिए जब भी आपकी क्लास शुरू हुआ करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर टू जिसने भी लिखा है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम इसका आंसर नंबर टू बिल्कुल हमारा सही है यहाँ पे आप मैप में देख भी सकते हैं ये हमारी दिल्ली हो गई कहाँ पे हमारी दिल्ली है ये हमारी दिल्ली है और इसके सापेक्ष हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि लखनऊ है और राजस्थान की राजधानी जो कि जयपुर है वो इस दिशाओं में पड़ती है जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन दिशाओं में पड़ती है आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू लिखा हुआ है एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई वह भोजन के विषय में पढ़ा रही थी तथा वह वा भरली वांगी का उदाहरण देती है जो एक व्यंजन है जो बना है चलिए क्वेश्चन नंबर टू का आंसर दीजिए भरली वांगी जो व्यंजन है वह किससे मिलकर बना है या फिर कैसे बनता है वो आप लोगों को बताना है यहाँ पे आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए तो जिसने भी एन से पहले पढ़ रखी है उसको पता होगा जो आपको भरली वांगी व्यंजन होता है यह छोटे छोटे भरवा बैंगन से बनता है किससे बनता है छोटे छोटे भरवा बैंगन से बनता है इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब आपके एन की जो बुक है उसमें महाराष्ट्र के भोजन से रिलेटेड एक पूरा टॉपिक यहाँ पर लिखा गया है जिसमें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जो भरली वांगी होता है वह भरवा छोटे छोटे जो बैंगन होते हैं उनसे बनता है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भरली वांगी छोटे छोटे भ्रमा बैंगन शामिल हैं इसमें ठीक है बाकी भी जो यहाँ के फेमस व्यंजन है वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको भी आप यहाँ पे यहाँ पढ़ सकते हैं जैसे गेहूँ हो गया चावल हो गया ज्वार हो गया ये सब चीज़ें यहाँ पे जो हैं इनके जो बड़ा पाव हो गया पाव भाजी हो गया बटाटा बड़ा हो गया पानीपुरी हो गया ये सारे जो यहाँ के बाकी फेमस व्यंजन हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं बाकी जो यहाँ पर भारली वांगी था वो भी यहाँ पर इसका लिखा गया है तो आप लोग इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों आकारों एवं माप के होते हैं इनके पंख जो होते हैं वह उड़ने में इनकी सहायता करते हैं और क्या क्या, -क्या कर सहायता करते हैं इनके पंख वो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में सहायता करते हैं पंख या फिर उन्हें गर्म रखने में सहायता करते हैं उनके पंख या फिर विभिन्न तरीकों से चलने में उनकी सहायता करते हैं उनके पंख या फिर उन्हें जल से बनाते हैं या फिर वाटर प्रूफ बनाते हैं उनके पंख चलिए बताइए जो पंख होते हैं चिड़ियों के वो इनमें से किस किस में उनकी सहायता करते हैं ये आप लोगों को बताना है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर तैयार क्या हो रहेगा सभी को पता है जो पक्षियों के पंख होते हैं वह पक्षियों को गर्म रखते हैं और साथ ही साथ में उन्हें वाटर प्रूफ या जल से बनाते हैं वाटर प्रूफ का मतलब जब बारिश होती है तो उनके पंखों पर पानी रुकता नहीं है वह फसल कर नीचे आ जाता है तो इसका बी और डी वाला सही हो यानी इसका आंसर नंबर टू बिल्कुल सही है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर आपकी जो एन की बुक है उसमें क्या लिखा गया है यह भी हम लोग एक बार देख लेते हैं लिखा हुआ है पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं इतना ही नहीं पंख उनके शरीर को गर्म रखते हैं समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर इसके बारे में पूरा टॉपिक एक लिखा गया है इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं अब आप लोगों को बताना है कि जो पशु अंडे देते हैं उसकी क्या विशेषताएं होती हैं ये आप लोगों को बताना है यहाँ पे आपके सामने चार विकल्प हैं जिसने इससे पहले सी का एग्ज़ाम दिया हुआ है उसको पता होगा कि इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर तय क्या रहेगा जो पशु अंडे देते हैं उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं अंडे देने वाले जो पशु होते हैं उनके कान दिखाई नहीं देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं यह आप लोगों को याद रखना है अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं क्या होता है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वे क्या करते हैं वे बच्चे देते हैं जबकि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं इस पॉइंट को आप लोगों को नोट कर लेना है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से आपका क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है तो आप लोगों को इसको नोट करके रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज गाड़ा और कई फ़ोटो भी खींची है चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर दीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कर्णम मलेश्वरी सेकेंड है सुनीता विलियम्स थर्ड है सूर्यमणि और फोर्थ है बछेंद्री पाल चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर दीजिए उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पर गाड़ा और कई सारी वहाँ पर फोटो भी खींची है क्या हो जाएगा इनका नाम इनका नाम हो जाएगा बछेंद्री पाल इनका नाम बछेंद्री पाल हो जाएगा बछेंद्री ने 23 मई उन्नीस को दिन के एक बजकर सात मिनट पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यानी नेपाल की जो है सागर माथा उस पर कदम रखा आप लोगों को ये वाला पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका इस पॉइंट को नोट कर लेना है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश ऑप्शन नंबर बी है लावणी मणिपुर का लोक नृत्य है ऑप्शन नंबर सी है ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर तरीके हो रहेगा तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर नंबर टू जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे बी वाला सही नहीं है लावड़ी मणिपुर का लोक नृत्य नहीं है अब आप लोगों को बताना है कि लावड़ी जो है वह कहाँ का लोक नृत्य है कल हमने इसके बारे में आपसे बात करी थी और लिखवाया भी था कि लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है कि लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है आगे देखते हैं अब यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में लिखा गया है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में इसको पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं अब यहाँ पे आपके सामने विकल्प लिखे हुए हैं इसको पढ़कर आपको बताना है कि कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं उसके बाद में यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा ये आप लोगों को बताना है कार्य क्यों करते हैं हम लोग यश कमाने के लिए कार्य करते हैं मनोरंजन के लिए कार्य करते हैं या अपने को या अन्य लोगों को सहारा देने के लिए कार्य करते हैं या फिर ऊर्जा बचाने के लिए कार्य को किया जाता है जल्दी से सभी लोग बताइएगा कि कार्य क्यों करते हैं हम लोग आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया होगा क्या लगाया होगा फर्स्ट लगाया होगा कि यश कमाने के लिए यानी पैसा कमाने के लिए और मनोरंजन के लिए कार्य करते हैं जबकि सही या नहीं है सही क्या है सही इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी केवल सी वाला इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा अपने व अन्य को सहारा देने के लिए कार्य किया जाता है अपने आप को व अन्य लोगों को सहारा देने के लिए कार्य को किया जाता है इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है काफ़ी लोगों को इसका आंसर नंबर फर्स्ट लग रहा होगा तो वह बिल्कुल सही नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर एट हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पहला कथन लिखा हुआ है उनके झुंड में हमेशा दो या दो से अधिक नर हाथी होते हैं दूसरे ऑप्शन में लिखा है उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथी के साथ रहते हैं तीसरे ऑप्शन में लिखा गया है नर हाथी झुंड के साथ चौदह से पंद्रह वर्ष की आयु तक ही रहते हैं जबकि चौथे ऑप्शन में लिखा गया है उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर एट का बताइए कि इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कोई दो विकल्प ही सही हैं क्योंकि हमारे ऑप्शन में जितने भी हमारे पास ऑप्शन हैं उनमें दो दो विकल्प ही दिए गए हैं तो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर बताइए क्या सही हो जाएगा सी एग्जाम में हाथियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही पूछा जाता है तो आप लोगों को इसको डिटेल में पढ़ लेना है क्वेश्चन नंबर एट का आंसर बताइए क्या हो रहेगा क्वेश्चन नंबर एट का आंसर नंबर थ्री यानी सी और डी वाला जिसने लगाया है उसका बिल्कुल सही है क्योंकि नर हाथी झुंड के साथ चौदह पंद्रह वर्ष की आयु तक ही रहते हैं और दूसरा क्या है उनके झुंड में केवल मादाएं था हाथियों के बच्चे ही रहते हैं अब हम लोग हाथी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा गया है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है हाथी बहुत कम आराम करना पसंद करते हैं या एक दिन में केवल दो से चार घंटे ही सोता है हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है वैसे उनके कान भी पंखे की तरह होते हैं गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है उसके बाद में फिर यहाँ पे लिखा गया है हाथियों के झुंड में केवल हाथनिया और उनके बच्चे ही रहते हैं झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है एक झुंड में दस से बारह हथनी और बच्चे होते हैं हाथी चौदह से पंद्रह साल तक की झुंड में रहते हैं फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं तो यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा गया है हाथियों के बारे में आप लोगों को उसको नोट डाउन कर लेना है या उसका स्क्रीन शॉट ले लेना है क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन कक्षा पाँच की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा किले का मानचित्र दिया गया है इस पर दाहिनी नीचे की ओर पैमाना छपा है पैमाने में क्या लिखा हुआ है पैमाने में लिखा हुआ है पैमाना एक सेंटीमीटर बराबर एक 110 मीटर क्या लिखा हुआ है एक सेंटीमीटर बराबर एक 110 सेंटीमीटर है ठीक है फिर नीचे लिखा गया है यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पटनचेरू दरवाजा के बीच की दूरी पंद्रह पॉइंट टू सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्या हो जाएगा इसमें एक सौ दस इंटू पंद्रह पॉइंट टू सेंटीमीटर इक्वल टू आपका आंसर निकल कर आ जाएगा क्या इसका अंसर? इसका अंसर आ जाएगा इसका आंसर इसका आंसर आएगा वन पॉइंट सिक्स सेवन टू किलोमीटर ये आपका इसका आंसर निकल कर आ जाएगा पहले मीटर में आएगा फिर उसको किलोमीटर में करोगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा तो इसीलिए यहाँ पर वन किलोमीटर हो जाएगा तो इसका आंसर नंबर थ्री बिल्कुल सही है चलिए क्वेश्चन नंबर टेन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन है सोना की सहेली तारा मिजोरम से है तारा को हिंदी बोलने से परेशानी है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं अब यहाँ पर आपसे इनडायरेक्टली ये पूछा गया है कि मिजोरम में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं चलिए क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर दीजिए मिज़ोरम में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएँ कौन कौन सी हैं क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर नंबर टू जिसने मिल गया है मिजो लुसेई और कुकी ये मिजोरम में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं लिखा गया है लुसाई के नाम से भी जाने जाने वाली मिजो भाषा मिजोरम की आधिकारिक भाषा है यह यहाँ के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है उन्नीसवीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने इस भाषा को रोमन लिपि में लिखना प्रारंभ किया तब से ही राज्य में यह औपचारिक भाषा शिक्षा का माध्यम बन गई और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आधिकारिक भाषा है वो मीजो है हिंदी है और अंग्रेजी है यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे ये आपके एन के स्क्रीन हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये अब इन्हें अनवीकरणीय ईंधन क्यों कहा जाता है ये आप लोगों को बताना है पहला ऑप्शन लिखा हुआ है क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं इसलिए कहा जाता है महंगे होते हैं इसलिए कहा जाता है प्रभाजी आवासन के द्वारा प्राप्त किया जाते हैं इसीलिए कहा जाता है या फिर इनके बनने में कई साल लगते हैं इसीलिए इसे कहा जाता है क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर दीजिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर आंसर नंबर फोर क्योंकि इनको बनने में बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं अब यहाँ पे जो अनवीकरणीय संसाधन है उनके बारे में लिखा गया है लिखा है अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडारण सीमित है भंडारण के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनपूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं यह अवधि मानव की अवधि से बहुत अधिक है इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं कोयला पेट्रोलियम तथा तो प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अनवीकरणीय जो संसाधन है उनके बारे में पूरे डिटेल में लिखा गया है जिसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर बारह पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत होती है अब जो पर्वतारोही होते हैं वे अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं ये आप लोगों को बताना है यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं आपको पढ़ना है बताना है कि पर्वतारोही ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने साथ में क्यों लेके जाते हैं क्वेश्चन नंबर बारह का आंसर दीजिए तो क्वेश्चन नंबर बारह का ऑप्शन नंबर थ्री जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर वो लोग लो सांस लेने के लिए ले, ले जाते हैं क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह कम हो जाती है ऑक्सीजन लेवल ऊंचाई पर कम हो जाता है इसीलिए इसीलिए उनको ऑक्सीजन ले जानी पड़ती है तो उसका आंसर नंबर थ्री बिल्कुल सही हो जाएगा अब यहाँ पर आप इसमें पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में लिखा गया है यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ऊँचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो ये हमारा मेन पॉइंट था जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बाकी इसमें डिटेल में लिखा गया है आप इसको भी पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन अरब सागर के तीन भारतीय तटवर्तीय प्रदेश या राज्य कौन से हैं चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर दीजिए मैंने आपसे कहा था कि आपको मैप बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए क्योंकि आपके मैप से सी एग्जाम में तीन से चार क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा गोवा महाराष्ट्र और केरल गोवा महाराष्ट्र और केरल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या है इधर साइड में हमारा अरब सागर है और इसके नज़दीकी पूछा गया था तो कौन कौन सा हो गया गोवा महाराष्ट्र और केरल ऑप्शन में दिया गया था इसीलिए हमारे तीनों ऑप्शन सही हो गए थे इधर हमारा क्या है इधर हमारा अरब सागर है और अरब सागर के तटवर्ती जो राज्य हैं वो केरल हो गया गोवा हो गया और महाराष्ट्र हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर चौदह है राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएँ सिर पर सात से नौ पीतल के घड़े को संभालती हैं कहलाता है चलिए क्वेश्चन नंबर चौदह का आंसर दीजिए बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन आपकी एन से लिया गया है क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर चौदह का ऑप्शन नंबर फोर जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौदह का ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही है अब इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं लिखा गया है यह राज्य का भव्य नृत्य है घूंघट में ढकी हुई बहुत सारी नृत्यंगनाएँ पीतल के सात या नौ बर्तनों को अपने सिर पर रखकर लहराती हुई गिलास के ऊपर या तलवार की धार पर अपने तलवों को जमा कर अपना संतुलन बनाती हैं बहुत ही कठिन नृत्य है ये जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि आपकी एन में इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं इसको आप लोग एक बार अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और वीआईपी क्वेश्चन है मधुबनी एक प्रसिद्ध क्या है एक झील है जो राजस्थान में स्थित है बिहार की शॉल है या फिर आंध्र प्रदेश में बुनी जाने वाली साड़ी है या फिर बिहार की एक प्रकार की लोक कला है या चित्रकारी है या फिर बिहार का एक स्थान है चलिए मधुबनी के बारे में पूछा गया है बहुत ही व्यापी क्वेश्चन है सभी लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर पंद्रह का आंसर सभी लोग दीजिएगा तो हमें पता है जो मधुबनी है यह एक बिहार की एक प्रकार की लोक कला या चित्रकारी है और मधुबनी बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जिले का नाम है तो इसका डी और ई वाला सही हो गया और डी और ई e वाला ऑप्शन किस में है ऑप्शन नंबर फोर में तो ये थे आज के हमारे पंद्रह क्वेश्चन अब आप लोगों को बताना है कि आपके पंद्रह क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत